हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Information Technology Act 2000. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड LLP एक्ट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम IT एक्ट 2000 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अब IT एक्ट के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि क्यों बनाया गया है IT एक्ट और क्या रेलिवेंस है इसका। तो अब यहाँ पे द लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच केम इनटू फोर्स ऑन 17th October 2000। तो अब ये जो लॉ है वो क्यों बनाया गया, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT एक्ट 2000 के अंदर। और अब ये IT एक्ट 2000 आया है 17th October 2000 को। इट इज़ द फर्स्ट साइबर लॉ इन इंडिया। ये फर्स्ट साइबर लॉ है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था पहले, इसीलिए ये इतना लेट आया है ये एक्ट कि 2000s में ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द UN सिट्रल यूनाइटेड नेशंस कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर इक्वल लीगल ट्रीटमेंट ऑफ यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन। अब इस ये जो एक्ट है जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया है तो वो बेस्ड है UN सिट्रल पे। अब ये UN सिट्रल जो है वो एक मॉडल लॉ है जो कि प्रोवाइड करता है कि वो इक्वल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स मिले किनको, जैसे पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन जो पॉपुलेशन यूज़ करती है जो उनको राइट्स मिले हैं, वही राइट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ करने वाले यूज़र्स को भी मिले। तो इसीलिए ये लॉ जो है वो बनाया गया, क्योंकि जो इंटरनेट का यूज़ है वो बढ़ रहा था इंडिया में और इसको रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए 17th October 2000 को ये एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। और ये लॉ जो है वो बेस्ड है UN सिट्रल पे जो कि है यूनाइटेड नेशन कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो अब यहाँ पे है इट इज़ डिज़ाइंड टू बूस्ट ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शंस एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद कॉमर्स एंड ट्रेड एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स ई गवर्नेंस बाय द मीन्स ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे ये जो एक्ट है, जो IT एक्ट है वो डिज़ाइन किया गया टू बूस्ट ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन, जो भी आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं गुड्स का ऑनलाइन, तो उसे हम कहते हैं कि वो ई कॉमर्स है। अब ऑनलाइन कैसे कि हम इंटरनेट का यूज़ करके कर रहे हैं, किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू हम वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं कुछ गुड्स की, तो उसे हम कहते हैं कि वो ई कॉमर्स है कि ऑनलाइन कुछ ट्रेडिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ई ट्रांजैक्शंस जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, वो कोई भी यानी पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो ई ट्रांजैक्शंस एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद कॉमर्स, जो भी कॉमर्स से एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको बूस्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ताकि जो नॉन यूज़र्स हैं जो कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे यूज़र्स जो हैं ताकि वो भी एनकरेज हों कि ये जो ई कॉमर्स है और ई ट्रांजैक्शंस हैं वो सिक्योर हैं, क्योंकि ये रेगुलेटेड हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रीवेंस हुआ तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसको रेगुलेट किया गया ताकि हम बूस्ट कर पाएँ ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शंस एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ को जो कि एसोसिएटेड हैं कॉमर्स से, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स ई गवर्नेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो हैं यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद अ व्यू टू मेकिंग द सिटीजन्स इंटरैक्शन विद गवर्नमेंट ऑफिसेज हैसल फ्री। तो अब जो भी नॉर्मल पब्लिक जो है उसका गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्शन बहुत फॉर्म्स में हो सकता है, तो उसको भी, उसकी भी ईज़ के लिए, उसको भी हेसल फ्री बनाने के लिए ही यहाँ पर ई गवर्नेंस का भी
जो एरिया है वो ये आईटी एक्ट जो है वो कवर करता है कि उसको भी ये रेगुलेट करता है, ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो भी एनकरेज हो, लोग जो है वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डालें अगर उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई कोई भी काम हो सकता है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस भी लाया गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है कि चीज़ों के जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे तो ज़्यादा इजीली काम हो जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए इसको भी हेसल फ्री बनाने के लिए यहाँ पर, ताकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ढंग से और इजीली काम हो, हेसल फ्री काम हो, इसीलिए ये बनाया गया, इसीलिए इसको भी ये रेगुलेट करता है। IT Act 2000 provides for use and acceptance of electronic records and digital signature in government offices. अब government offices में क्या क्या ये provide करता है IT, कि IT Act 2000 जो है वो provide करता है use and acceptance of। अब यहाँ पे use जो है वो चीज़ों का तभी होगा जब उन चीज़ों की acceptance होगी। तो यहाँ पर से मतलब है इंडिया में चीज़ें तभी यूज़ होती हैं जब उनकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो हम तभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करेंगी गवर्नमेंट खुद, तब जाके वहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो इनकरेज होंगे कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करें, उसको रिलायबल माने। और इसीलिए आईटी एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि यूज़ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यूज़ करें लोग, और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को भी इनकरेज करें कि लोग जो है वो डिजिटली साइन करें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इशू होना है तो उसको। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिवेंट पॉसिबल मिस यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ द ई ट्रांजैक्शंस। अब ई ट्रांजैक्शंस के साथ साथ यहाँ पे ई कॉमर्स भी ले सकते हैं आप। अब ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी जो पर्सन है वो मिसयूज़ ना करे इन सब टेक्नोलॉजी का जो कि ई ट्रांजैक्शन से अराइज होती हैं। कि अगर मान लेते हैं कोई भी पर्सन जो है वो ई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुछ भी मनी जो है वो सेंड या रिसीव कर रहा है, तो उसमें बीच में कोई ग्लिच ना हो, इसीलिए यहाँ पर कोई पर्सन जो है वो उसको उसका मिसयूज़ ना कर पाए, इसीलिए ये रेगुलेट किया गया कि ताकि अगर कोई भी ऐसा ग्रीवेंस अराइज होता है किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र को तो उसके ग्रीवेंसेस जो हैं वो रिजॉल्व हो पाए। तो आईटी एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है। Provides for a regulatory regime to supervise the certifying authorities for digital signature. अब जो authorities ऐसी हैं जो certificate देती हैं digital signature का, उनको भी regulate करने के लिए, उनको भी supervise करने के लिए ये IT Act provide करता है कि उनको वो regulate करेगा कि जो भी certifying authority है digital signature के लिए, कि अगर कोई person जो है उसको digital signature चाहिए तो एक अथॉरिटी होगी वहाँ पर जो इशू करती है डिजिटल सिग्नेचर, ताकि वो अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में यूज़ कर पाए और ई गवर्नेंस को एनकरेज करे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आईटी एक्ट 2000 है वो इसको भी रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कि कहीं वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रही हैं वो उनका मिसयूज़ ना करें, वो उनका लॉफुली यूज़ करें। तो इसीलिए इसको भी वो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। अप्लाइड टू ब्रॉड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। तो हम जब भी इंटरनेट की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें ही यहाँ पर ध्यान में आती हैं कि किन की बात हो रही होगी, किन दो चीज़ों की यूज़ की बात हो रही होगी। तो वो यही दोनों चीज़ें हैं कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वो कैसे हो पाएगा, वो कंप्यूटर के यूज़ से हो पाएगा। तो अब ये यहाँ पर बोल रहा है अप्लाइड टू ब्रॉड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जो आईटी एक्ट 2000 है वो अप्लाई होता है ब्रॉड एरिया ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू या कम्युनिकेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से, तो उनको ये जो आईटी एक्ट है वो कवर करता है उन सारी ही एक्टिविटीज़ को। तो अब यहाँ पे ब्रॉड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी को भी ये इंक्लूड करता है कि जो भी टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर या कम्युनिकेशन को लेकर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जो भी ब्रॉड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ है, उन सभी को ये रेगुलेट करेगा आईटी एक्ट 2000 जो है। तो इसीलिए ये इन सभी ब्रॉड एरियाज़ को कवर करता है। साइबर लॉ, लॉ रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो साइबर लॉज जो हैं, जो आईटी एक्ट है वो एक्चुअली साइबर लॉ ही है। तो अब ये जो साइबर लॉज हैं ये लॉज हैं जो कि रिलेटेड हैं कम्युनिकेशन से
और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से। तो अब कम्युनिकेशन से यहाँ पर मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कुछ कहना या सुनना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली भी कुछ कम्युनिकेट करना होता है। बहुत ब्रॉड अरेना है कम्युनिकेशन, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसीलिए ये जो साइबर लॉज हैं वो ये कम्युनिकेशन का एरिया इंक्लूड करती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन है, जैसे वो रेगुलेटेड है, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये साइबर लॉज जो हैं वो लॉज हैं जो रिलेटेड हैं कम्युनिकेशन से और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से। जो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनके थ्रू कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, या उन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स का कुछ यूज़ हो रहा है, कोई वाइड यूज़ हो रहा है अगर उनका, तो उनको रेगुलेट करता है यहाँ पर ये साइबर लॉ। इट कवर्स आईटी लॉज, जो भी आईटी लॉज हम अभी पढ़ रहे हैं वो साइबर लॉ का ही पार्ट है। तो ये जो साइबर लॉज हैं ये इंक्लूड करते हैं, ये कवर करते हैं आईटी लॉज को, जो कि रेगुलेट करते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। तो अब आईटी लॉज जो हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं? ट्रांजैक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं, जो भी ऑनलाइन हम जो मनी है उसको सेंड या रिसीव कर रहे हैं, तो उसको ये इंक्लूड करता है रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। तो ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर के यूज़ की बात करते हैं तो हम उसमें ये ऑब्वियस मानते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट का जो यूज़ है वो भी होगा ही। तो ये जो आईटी लॉज हैं ये यही रेगुलेट करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रिलेटिंग टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, तो उन्हीं को ये रेगुलेट करेगा, उन्हीं को साइबर लॉज जो हैं वो कवर करते हैं। और क्या कवर करते हैं साइबर लॉज? कम्युनिकेशन लॉज, कम्युनिकेशन लॉज को भी ये कवर करता है। रेगुलेट्स टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोनी एंड केबल। तो अब जो भी चीज़ें हम केबल के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, जो भी हम टेलीविजन पर जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर इंटरनेट पर होती है, तो उनको भी ये रेगुलेट करता है। जो भी टेलीकम्युनिकेशन है उसको भी इंक्लूड करता है, जो भी टेलीविज़न, रेडियो या टेलीफनी है उन पे भी होने वाली कोई भी कम्युनिकेशन जो है उनको भी ये जो कम्युनिकेशन लॉज हैं ये कवर करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन लॉज हैं वो आते हैं साइबर लॉज के अंदर। तो साइबर लॉज के अंदर जो है वो दो चीज़ें देखी हमने, आईटी लॉज और कम्युनिकेशन लॉज। तो इन दोनों को ही ये कवर करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हैं कंप्यूटर्स या फिर इंटरनेट से, और जो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोनी एंड केबल के मीडियम से हो रही हैं, तो उन सारी कम्युनिकेशन को भी ये इंक्लूड करता है, उनको भी ये रेगुलेट करेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या है, कि किन चीज़ों पर ये आईटी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किन किन चीज़ों को ये कवर करता है, किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब हम देखेंगे कि किन चीज़ों पर आईटी एक्ट 2000 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसमें हम कोई भी ई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे या ई गवर्नेंस जो है उन चीज़ों की नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो अब ऐसी 5 चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट है यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो अभी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स आते हैं, तो इसीलिए इनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो अब सारे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जीक्यूशन पे ये जो आईटी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर ऐसा होता है। अब वो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? वो है चेक। तो चेक पर जो है वो आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। किन किन पर नहीं होगा? सारे ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, तो उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ चेक पर जो है, चेक ही ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर जितने भी
इंस्ट्रूमेंट्स को ये कवर करेगा उन सभी पे ये आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इनका एक्ट भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम एक्ट से ही वो ब्रॉड एरिया जो है जिन चीज़ों को भी वो एक्ट कवर करता है उनको ही समझ लें। तो इसीलिए हमें वो जो ब्रॉड एरिया है वही मेंशन करना होता है। सेकंड है एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंदर है। तो अब ये जो आईटी एक्ट है वो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंदर है। तो इसके अंदर जो भी रेगुलेशंस हैं उन पर ये जो आईटी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जब भी कोई पर्सन ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है किसी पर्सन को अपना या देता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएगा। इसीलिए ये जो आईटी एक्ट है वो इस एरिया को कवर नहीं करता। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होगा, या फिर यहाँ पर कुछ ई गवर्नेंस के थ्रू कुछ होगा, या फिर ई ट्रांजैक्शन हो सकती है इस केस में। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट 2000 है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब अगर हम कोई भी ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो वो कवर होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं क्रिएट कर सकते किसी भी ट्रस्ट को। तो इसीलिए ये भी आईटी एक्ट 2000 में इंक्लूड नहीं होता, कवर नहीं होता। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ विल द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो अब जो विल है, मतलब जैसे कोई भी पर्सन जो है अगर वो अपनी विल लिखता है, तो उस केस में भी उसके एग्जीक्यूशन पे भी, विल के एग्जीक्यूशन पे भी ये जो आईटी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो विल है, एग्जीक्यूशन ऑफ विल कौन इंक्लूड करता है, कौन सा एक्ट इंक्लूड करता है, तो वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनमें सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है, तो हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हम जो है ट्रांजैक्शन वो देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ही यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो परफॉर्म हो सकता है। तो इसीलिए हम इसमें ये नहीं कहते कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इंक्लूड करता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें हमें पता है कि वहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग होती है, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होता है तो उसको भी ये आईटी एक्ट 2000 जो है वो नॉन एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर। वहाँ पे आईटी एक्ट को हम एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है, या फिर एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, कोई भी इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर भी हम आईटी एक्ट को एप्लीकेबल माने कि ये चीज़ें जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब यहाँ पे यही 5 थिंग्स हैं जिन पर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट 2000 होता है। बाकी हमने यहाँ पर देखा ही था कि ये जो साइबर लॉज हैं वो दो चीज़ें कवर करते हैं, दो ब्रॉड एरियाज कवर कर लेते हैं, आईटी लॉज और कम्युनिकेशन लॉज। तो अब हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे है कि एनी अमेंडमेंट्स विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। तो अब यहाँ पर अगर इन चीज़ों में जो भी नॉन एप्लीकेबिलिटी है, इन चीज़ों में अगर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई चेंजेस करने हैं, कोई अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ एडिशन या डिलीशन करना है यहाँ पर, तो ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजेट इशू करेगी और उसके थ्रू ऐसी नोटिफिकेशन निकालेगी हमने कोई भी एक्स वाई जी पर्टिकुलर थिंग जो है वो नॉन एप्लीकेबिलिटी में इंक्लूड कर दी है, या फिर कोई एक्स वाई जी प्रोविजन जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजेट के अंदर, तो ऐसा करके वो इन चीज़ों को अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 इज एप्लीकेबल ऑन द चेक। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि एग्जीक्यूशन अगर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं,
अगर उन चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है तो उस पर भी हम फिर आईटी एक्ट को एप्लीकेबल नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर भी फिजिकल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक्चुअल सिग्नेचर होने चाहिए, वहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जिस पे यहाँ पर आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो और वो था चेक। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो आईटी एक्ट है इज़ एप्लीकेबल ऑन चेक, चेक पर आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, अमेंडमेंट इन 2002। तो अब आईटी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जिसमें ये देखा था कि जो चेक है उस पर आईटी एक्ट 2000 जो है वो एप्लीकेबल होगा, और ऐसा अंडर सेक्शन 81A में होता है। नाउ इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक भी इशू होती है। आप अगर कभी किसी बैंक में जाएंगे कोई भी चेक डिपॉजिट करने के लिए या फिर चेक को इनकैश करवाने के लिए, तो उस केस में फिर आपको वहाँ से एक ट्रंकेटेड चेक इशू होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है चेक की, जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रंकेटेड चेक है। तो अब अगर आपका चेक जो है वो ओरिजिनल चेक जो है वो इतने साइज़ का होता है, तो जो ट्रंकेटेड चेक है वो उससे थोड़ा लेस साइज़ का होता है, और उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है इस चेक की। जो ओरिजिनल चेक आपने डिपॉजिट किया वो प्रूफ होता है कि आपने जो चेक है वो डिपॉजिट कराया है बैंक में। तो जब आप वो चेक ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पर बैंक में जाकर, तो उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज इशू हो जाती है उस सेम चेक की, जिसको हम मानते हैं कि वो प्रूफ है कि आपने वो चेक जो है वो डिपॉजिट किया होगा बैंक के अंदर। तो इसीलिए इसी को हमने माना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है इसी को हम कह देंगे कि इसीलिए यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 जो है वो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चेक की जो इमेज है, जो ट्रंकेटेड चेक है, वो आपको इशू हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 जो है वो चेक्स के ऊपर एप्लीकेबल माना जाएगा। तो यही यहाँ पर ये एक्सेप्शन थी हमारे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट 2000 की, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर चेक है तो उस पर यहाँ पर आईटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। तो हम इस पॉइंट पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी ही एक्सेप्शन से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पॉइंट पर हमको ये चीज़ याद रखनी होती है कि हाँ, हमने ऐसी एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे वैसे तो आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ऐसा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आईटी एक्ट 2000 जो है वो एप्लीकेबल होता है, और वो ऐसी एक अमेंडमेंट थी जो कि 2002 में आई थी अंडर सेक्शन 81A, जिसपे अब जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है चेक की वो इशू हो जाती है, जिसको हम ट्रंकेटेड चेक भी कहते हैं। तो अब आई होप आपको इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्या पर्पस है इस एक्ट का, क्यों ये एक्ट जो है वो अब लाया गया, इतना लेट आया है ये एक्ट, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर किन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल होता है और किन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।